Hello everyone, my name is Ajay Singh and I have secured All India rank 377 in GATE 2019 from Mechanical Engineering. So next lecture hum shuru karne wale hain, that is heat transfer 9. Pichle lecture mein maine aapko thoda idea diya tha what is lumped systems, theek hai, ki kya lumped system hai aur kya hum is chapter mein padhne wale hain. To अब जो पिछला चैप्टर था उसमें सिर्फ पिछला लेक्चर था उसमें सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था. नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव डिफरेंट इक्वेशंस एंड दीज इक्वेशंस आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर गेट एग्ज़ाम. ठीक है, जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इसी से आएंगे. जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो हम इक्वेशन डिराइव करेंगे, इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं. गेट में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान से देखें, बहुत ईजी से हैं, टफ़ नहीं है, बस एक बार समझ में आ जाए. तो द नेम ऑफ द टॉपिक इज एनालिसिस ऑफ अनस्टडी स्टेट हीट कंडीशन और लम्पड हीट कैपेसिटी मेथड. ये मेथड को हम क्या बोलते हैं, लम्पड हीट कैपेसिटी मेथड. तो एक बार ये पुराना रिवीजन है कि परफेक्ट लम्पड बॉडी. ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि लम्पड बॉडी क्या है. एक लम्पड बॉडी वो लम्पड बॉडी है जिसमें इंटरनल जो रेजिस्टेंस है, दैट इज़ योर कंडक्टिव रेजिस्टेंस इज ज़ीरो. और वी कैन से कि जो बॉडी है, जो आपकी बॉडी है, दैट हैज़ इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी के. ठीक है, तो परफेक्ट लम्प्ड बॉडी कोई भी नहीं होती है. देर इज़ नो सच, आइडियली देर इज़ नो सच बॉडी. ठीक है, दैट इज़ परफेक्टली लम्प्ड, मतलब ऐसा कोई बॉडी नहीं होगी जिसकी इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस ज़ीरो होने वाली है. तो हम एक रेंज लेके चलते हैं कि हाँ, अगर बॉडी का रेजिस्टेंस इतने से इतने तक है, या फिर कुछ सिचुएशंस लेते हैं कि ये नंबर इतने से इतने तक है, तो हम उसको एज अ लम्प्ड बॉडी कंसिडर करेंगे और उस पर हम अपनी लम्प्ड एनालिसिस लगा सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया गया, परफेक्टली लम्प्ड बॉडी इज इमेजिनरी बॉडी बिकॉज फॉर अ लम्प्ड बॉडी इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस इज ज़ीरो. बिकॉज बॉडी मेड अप ऑफ इनफाइनाइट के, इट मीन्स लम्प्ड बॉडी टेम्परेचर ओनली चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, जो हमारी लम्प्ड बॉडी होगी उसमें जो टेम्परेचर हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, सिर्फ टेम्परेचर रिस्पेक्ट में. ठीक है, देर इज़ नो टेम्परेचर चेंज विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन. ठीक है, लोकेशन के हिसाब से कोई टेम्परेचर चेंज होगा. फॉर एग्जांपल, इफ़ एक बार मैं आपको, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन है, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई. फॉर एग्जांपल, अगर हम ये बॉडी कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, एज अ लम्प्ड बॉडी, ठीक है, तो क्या होगा, देखो सपोज करते हैं एट टी इक्वल टू ज़ीरो हमारा टेम्परेचर, टी इक्वल टू ज़ीरो दिस इज़ अवर टेम्परेचर. ठीक है, तो बॉडी के इनसाइड आपकी जो टेम्परेचर लाइन होगी दैट विल बी ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, इफ़ अ बॉडी इज़ लम्प्ड बॉडी देन इनसाइड द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल बी कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन. हर लोकेशन पे सेम टेम्परेचर होने वाला है. ठीक है, एट टी इज इक्वल टू सम मान लो 5 सेकेंड्स, क्या होगा टेम्परेचर, मान लो ये बॉडी बॉडी का टेम्परेचर T1 था, ठीक है, और आउटसाइड टेम्परेचर T2 था, एंड T1 इज ग्रेटर देन T2, तो बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा. ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन अभी भी हमारा लोकेशन के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. देखो यहाँ से टेम्परेचर डाउन होके नीचे आ गया, ठीक है, कम हो गया है, लेकिन अभी भी विद यूनिफॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन. बट टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे टाइम पास करते जाएगा आपका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, डाउन होता जाएगा. ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका है ये चीज़ पुराने लेक्चर में. ठीक है, तो वट आर द वेरियस एजम्पशंस वी आर कंसिडरिंग, ठीक है, वाइल डराइविंग दीज आर द फॉलोइंग अजम्पशंस. ऑल थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी आर कॉन्स्टेंट. ठीक है, जितनी भी हमारी थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं बॉडी की वो हम कॉन्स्टेंट मान रहे हैं. जैसे कि थर्मोफिजिकल मतलब कंडक्टिविटी हो गई आपकी, स्पेसिफिक हीट हो गई, ठीक है, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम सारी कॉन्स्टेंट मान के चल रहे हैं. ठीक है, द नेक्स्ट अजम्पशन इज नो इंटरनल हीट जनरेशन. देर इज नो इंटरनल हीट जनरेशन इन द बॉडी. ठीक है, कोई इंटरनल हीट जनरेशन हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं. देर इज नो हीट लॉस वाया रेडिएशन. रेडिएशन हीट लॉसेस आर नेग्लेक्टेड. मतलब कि बॉडी से कोई भी हम ये नहीं मान रहे कि बॉडी से रेडिएशन, देखो रेडिएशन तो हमेशा होता ही है, लेकिन फॉर डराइविंग दीज इक्वेशन हम मान रहे हैं कि देर इज नो रेडिएशन हीट लॉसेज, अदरवाइज वी हैव टू कंसिडर दोज लॉसेज ऑल्सो. द नेक्स्ट अजम्पशन इज एच वैल्यू इज कॉन्स्टेंट. ठीक है,
जो आपकी एच हीट ट्रांसफ़र कॉफिशेंट की वैल्यू है इज़ कॉन्स्टेंट. एंड द नेक्स्ट एजम्पशन, सराउंडिंग फ्लूड इज़ मेंटेन्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एजम्पशन. हम इसमें मान रहे हैं कि जब कोई बॉडी है, ठीक है, उस पर जो सराउंडिंग फ्लूड है उसका जो टेम्परेचर है इट इज़ गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो एक बार पहले मैं आपको बेसिकली डिस्क्राइब कर देता हूँ कि इस डेरिवेशन में हम करने का वाले हैं. देखो, हमें जब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो आप उसमें इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कुछ. ठीक है, एक बॉडी दी हुई, ठीक है, उसको आपको बोला होगा कि ये T1 टेम्परेचर या फिर कोई भी टेम्परेचर, सपोज करो T1T टेम्परेचर पर दी है बॉडी, और आपसे बोला जाएगा कि इसको हमने एक फ्लूड में रख दिया. सडनली आपने इसको एक फ्लूड में रख दिया या फिर कहीं एयर में रख दिया या फिर वाटर में रख दिया, और जिसका टेम्परेचर आपका समथिंग है T2 है. ठीक है, दिस इज़ T1 T2. तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाएंगे कि आफ्टर टाइम टी, मान लीजिए आफ्टर टाइम 10 सेकेंड्स, वट इज़ गोइंग टू बी द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम ये सब डेरिवेशंस कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, जो हमने जो लास्ट एजम्पशन माना है, द सराउंडिंग फ्लूड इज़ मेंटेन्ड एज कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो हम जो मान रहे हैं कि जो T2 है दैट इज़ गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट. तो हम यहाँ पे इस तरह से भी इसको देख सकते हैं कि जो आपका आउटसाइड है, जो सराउंडिंग है, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, तो आगे डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं. सपोज करो दिस इज़ योर बॉडी. ठीक है, यहाँ पे एक एक चीज़ ध्यान दे रहा हूँ. दिस इज़ योर बॉडी एंड द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज T0. ठीक है, बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर T0 है, दैट इज़ एट T=0, टाइम स्मॉल t इज़ टाइम, टाइम इक्वल टू जीरो पे हमारा जो इनिशियल बॉडी का टेम्परेचर है T0 है. ठीक है, तो दिस इज़ योर फर्स्ट थिंग, लेट T0 इज़ द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द बिगिनिंग, दैट इज़ T=0. ठीक है, अब हम इसको एक फ्लूड में रख रहे हैं. वी आर पुटिंग दिस बॉडी इन अ फ्लूड दैट हैज़ अ टेम्परेचर, फ्लूड टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारा क्या है, T∞. ठीक है, T∞ इज़ योर सराउंडिंग टेम्परेचर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू टी. ठीक है, टी टाइम बाद उसका जो टेम्परेचर है वो क्या कितना हो जाता है, टी. स्टार्टिंग में उसका टेम्परेचर था T0 एट टी इक्वल टू जीरो, आफ्टर सम टाइम टी द बॉडीज टेम्परेचर इज गोइंग टू बी टी एंड द सराउंडिंग टेम्परेचर इज़ नॉट चेंजिंग. ठीक है, ये हमने एजम्पशन माना है. ठीक है, तो हमको ये T0, T∞ और जो ये स्मॉल टी है कि कितने टाइम बाद जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो कैसे रिलेशन कैसे फाइंड आउट करना है वो हम देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे वी हम कंसिडरिंग द टी इज टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर, टी इज इक्वल टू टी सेकेंड, दैट इज एक्सप्लेन बाई मी. टी इनफाइनाइट इज सराउंडिंग फ्लूड टेम्परेचर एंड दीज आर द अदर टर्म्स एम रो सी वी ए एस. ठीक है, वेयर एम इज़ द मास ऑफ द बॉडी, रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, सी इज़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी, वी इज वॉल्यूम, ए एस इज़ द सरफेस और एरिया ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे. नेक्स्ट, अब हमारी ये दो तरह की कंडीशंस हो सकती हैं इफ़ द बॉडीज टेम्परेचर इज़ मोर देन सराउंडिंग टेम्परेचर. ठीक है, अगर जो बॉडी का टेम्परेचर है वो सराउंडिंग टेम्परेचर से ज़्यादा है, अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से ज़्यादा है और बॉडी को आप सराउंडिंग में रखते हो तो क्या होगा, बॉडी ठंडी हो जाएगी, धीरे धीरे बॉडी हीट लूज़ करेगी. ठीक है, तो कूलिंग ऑफ बॉडी इफ़ T0 इज़ ग्रेटर देन T∞. ठीक है, यानी तो उस टाइम पर क्या होगा, जब हीट ट्रांसफर होगा वो आउटसाइड द बॉडी होगा. ठीक है, यानी there is no heat transfer inside the body or we can say q in is equal to zero. Second case, if the body's temperature is lower than the surrounding temperature, then the condition will be heating of body. Body heat hona start ho jayegi kab, jab jo body ka temperature hai very very less than surrounding temperature, in that case q out will be zero. Theek hai, these are the two condition which are possible. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं अपनी. ठीक है, अब हम बॉडी की एनालिसिस कर रहे हैं फॉर कूलिंग ऑफ अ बॉडी, हम किसके लिए कर रहे हैं कूलिंग. ठीक है, तो आगे जो हमारे जो रिजल्ट्स आएंगे वो आप डायरेक्टली
फॉर कूलिंग और फॉर हीटिंग के लिए भी आप किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो फाइनल फॉर्म में आएंगे, बट हम जो डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो फॉर कूलिंग ऑफ अ बॉडी से स्टार्ट कर रहे हैं, बस समझने के लिए, ठीक है। फाइनल जो रिजल्ट आएंगे वो आप कूलिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं और हीटिंग में भी, ठीक है। तो कंसिडर कर रहे हैं बॉडी, एक बॉडी है जिसका स्टार्टिंग टेम्परेचर टी नॉट है, मतलब एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड टी एट टी इक्वल टू जीरो द स्टार्टिंग टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज़ टी नॉट। आफ्टर टाइम उसको हम एक फ्लूड में डाल देते हैं जिसका टेम्परेचर टी इनफाइनाइट है, तो आफ्टर टाइम टी द बॉडीज टेम्परेचर इज गोइंग टू बी टी, ठीक है, कैपिटल टी। तो एनर्जी बैलेंस लगाते हैं, क्यू इन प्लस क्यू जनरेशन माइनस क्यू आउट इज इक्वल टू क्यू स्टोर्ड, ठीक है। सिंस वी आर कंसिडरिंग कूलिंग, ठीक है, कूलिंग कंसिडर कर रहे हैं, तो कूलिंग हो रही है बॉडी की, तो इसका मतलब बॉडीज टेम्परेचर इज मोर देन सराउंडिंग टेम्परेचर, तो यानी जो भी हीट होगी वो बाहर को जाएगी, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी जाएगी, इनसाइड कोई बॉडी नहीं जाएगी। तो क्यू इन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्यू जनरेशन हमारा जीरो हो जाएगा बिकॉज ऑफ द अजम्पशन वी आर कंसिडर्ड, माइनस क्यू आउट को ऐसे ही रहने देना, क्यू स्टोर्ड, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल जो हमारा बचा वो क्या बचा, माइनस क्यू स्टोर्ड इज इक्वल टू क्यू आउट, ठीक है। क्यू स्टोर्ड को कैसे क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, माइनस एम सी डेल टी बाय डेल टी, ठीक है, एम सी डी टी बाय डी टी, वेयर कैपिटल टी इज टेम्परेचर एंड स्मॉल टी इज योर टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हीट आउटसाइड जा रही है जो जो आपकी बॉडी है, क्यू आउट को क्या लिख सकते हैं, एच ए एस टी माइनस टी इनफाइनाइट, हाउ हाउ इट कैन बी रिटन एज, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द बॉडीज टेम्परेचर इज आफ्टर सम टाइम टी है और सराउंडिंग का टेम्परेचर टी इनफाइनाइट है, तो कितनी हीट लॉस कर रही होगी फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, एच ए एस टी माइनस टी इनफाइनाइट, ठीक है, दिस विल बी योर हीट लॉस, ठीक है। अब डी टी को हम, अब हम देखो ये डी टी को हम राइट साइड ले गए, ठीक है, एम सी को हम एच इसके अपॉन में ले गए, एम को क्या लिख सकते हैं, रो वी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंट टर्म्स को हमने बाहर लिखा और अंदर जो बचाओ इंटीग्रेशन टी टी, राइट साइड पे हमारा जो इंटीग्रेशन है टी टी इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू टी, ठीक है। व्हाट अबाउट लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में हमारा डी टी ये था, ठीक है, अपॉन में हम ले गए टी माइनस टी इनफाइनाइट, इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम टी नॉट स्टार्टिंग टेम्परेचर टू जिस टाइम पे हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपल सा इंटीग्रेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली जो हमको इंटीग्रेशन करके मिलेगा वो क्या मिलेगा, एल एन टी माइनस टी इनफाइनाइट अपॉन टी नॉट माइनस टी इनफाइनाइट इज इक्वल टू माइनस एच ए सी टी अपॉन रो वी सी, ठीक है। इसमें आपको पता है ना हर टर्म क्या क्या है, एच इज अ हीट ट्रांसफर कन्वेक्टिव कॉफिशेंट, हीट कन्वेक्टिव कॉफिशेंट, ए सी इज योर सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, टी इज टाइम टी आफ्टर विच यू हैव टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, रो इज योर डेंसिटी, वी आपका वॉल्यूम है, सी इज योर स्पेसिफिक हीट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एल एन को अगर हम राइट साइड पर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर में आ जाएगा, तो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टी माइनस टी इनफाइनाइट अपॉन टी नॉट माइनस टी इनफाइनाइट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एच ए एस टी अपॉन रो वी सी, ठीक है। तो दिस इक्वेशन आपको, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है बिकॉज दिस इक्वेशन इज गोइंग टू हेल्प यू इन सॉल्विंग योर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो व्हाट इज दिस इक्वेशन, दिस इज सिंपली जस्ट आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपको तो ये इक्वेशन आ जाएगी, बट आपको मेनली ये इक्वेशन याद करनी है, ठीक है, जो भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब देखो इस इक्वेशन को लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज इन मैनी फॉर्म्स, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो फॉर्म कौन कौन सी है जिसमें हम उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ये चीज़ आया है, दिस इज़ ये कैसे आया, दिस इज़ सिंपली जस्ट आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये माइनस टी इनफाइनाइट यहाँ प्लस टी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू टी इनफाइनाइट प्लस टी नॉट माइनस टी इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एच ए एस टी अपॉन रो वी सी, ठीक है। तो ये आपका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है।
बताती है कि टेम्परेचर कैसे चेंज होगा विद, तो टेम्परेचर आप देख रहे हैं कैसे चेंज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो दिस इज़ योर टेम्परेचर एक्सेस, दिस इज़ योर टेम्परेचर एक्सेस, दिस इज़ योर टाइम एक्सेस, तो बनाएंगे। तो फॉर हीटिंग द कर्व विल लुक लाइक दिस, एंड फॉर कूलिंग द कर्व विल लुक लाइक दिस, ठीक है। सो दिस ग्राफ इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ये आप सिंपली अगर आपको एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल का फंक्शन का कर्व आता है तो यू कैन ड्रॉ इट, ओके। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर और इन योर शॉर्ट नोट्स दिस इक्वेशन, ओके। दिस इक्वेशन आपको ये मेंशन करनी है आपके शॉर्ट नोट्स में, और ये आपको कहाँ अप्लाई करनी है वो आपको बताया जाएगा। सिंपली एक बार मैं पहले बता देता हूँ, जब बायोट नंबर 0.1 से कम होगा तो आप तभी ये इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इक्वेशन। द सेकेंड मोस्ट, तो ये आपका क्या आ गया है, दिस इज़ योर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है, टी माइनस टी इनफाइनाइट अपॉन टी नॉट माइनस टी इनफाइनाइट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एच ए एस टी अपॉन रो वी सी। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट टर्म, द इम्पॉर्टेंट टर्म इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ कूलिंग। तो ठीक है, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया जाएगा तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपसे पूछा क्या गया है, सबसे पहला इंस्टेंटेनियस एंड रेट ऑफ कूलिंग पूछा गया, ठीक है। कभी आपसे पूछा जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, तो बोथ आर डिफरेंट थिंग। रेट ऑफ कूलिंग मतलब डेल टी बाय डेल टी आपसे पूछा गया, दिस विल बी योर रेट ऑफ कूलिंग। मैं इस चीज़ में बहुत गलती करता था तो इसलिए मैं आपको ये अलग से क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। कि क्वेश्चन में आपको अगर पूछा जाए कि रेट ऑफ कूलिंग है तो आपको डेल टी बाय डेल टी कैलकुलेट करना है, अगर आपको हीट ट्रांसफ़र पूछा गया तो आपको क्यू इंस्टेंटेनियस तब वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। तो सिंपली क्या है, आपने अभी क्वेश्चन पढ़ी थी टी इज इक्वल टू आपकी आपका ऊपर दिस वॉज योर टी, आपका यहाँ पे टी आ गया था, ठीक है। तो सिंपली आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ कूलिंग फाइंड आउट करना है, तो सिंपली इस इक्वेशन को आप टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो जब आप इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, दिस इज गोइंग यू आर गोइंग टू गेट डेल टी बाई डेल टी इज गोइंग टू इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टी इनफाइनाइट मल्टीप्लाई बाय माइनस एच ए एस अपॉन रो वी सी ई की पावर माइनस एच ए एस टी अपॉन रो वी सी, ठीक है। तो दिस इज़ योर रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है। तो सिंपली ये आपको याद नहीं करना है, सिंपली आप अगर वहाँ पे जो ऊपर आपकी टेम्परेचर प्रोफाइल आई थी, अगर आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो आपको ये आपको ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है। उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, बट कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो एट बिगनिंग ऑफ, अगर स्टार्टिंग के टाइम पे क्या होगा, टी विल बी इक्वल टू जीरो, तो इफ़ यू पुट टी इक्वल टू जीरो इन दिस, तो दिस इक्वेशन, तो यहाँ पे आप टी जीरो पुट करेंगे तो ये ई की पावर जीरो हो जाएगा, ई की पावर जीरो इक्वल टू वन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद सिंपली इन्होंने क्या किया, रो वी सी को रो वी सी जो टर्म बचा उसको राइट साइड ले गया, रो वी इक्वल टू एम हो गया, सी को सी रहने दिया, डेल्टी बाई डेल्टी सेम रहा, माइनस आपका माइनस इधर आ गया, ठीक है। इधर क्या बचा है, एच ए एस टी नॉस माइनस टी इनफाइनाइट, ठीक है। ये रिलेशन भी आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं इसको याद करने की। सिंपली कैसे आया, एट टी इक्वल टू जीरो टी पे जीरो पुट करेंगे तो आपका ये रिलेशन भी आ जाएगा, ठीक है। मेन आपको जो अभी तक याद करना है वो क्या याद करना है, दैट इज़ टी माइनस टी इनफाइनाइट वाला जो रिलेशन था ऊपर, ठीक है, ये आपको याद करना है, इक्वल टू ई की पावर माइनस एच ए एस, ये आपको ये वाला रिलेशन आपको याद करना है। सिंपली बाकी रिलेशंस आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर सकते हैं, और आपको क्या याद करना है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ कूलिंग का मतलब क्या है, डी टी बाई डी टी। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होने वाला है, सेम टू सेम है। मान लेते हैं एक जो बॉडी है, ठीक है, बहुत इजी है, ये भी बॉडी है, ठीक है, दिस इज़ योर बॉडी, आप उसका टेम्परेचर टी है, ठीक है, पूरी सरफेस का भी टेम्परेचर टी है, इनसाइड द बॉडी भी टेम्परेचर टी है, ठीक है, बाहर टी इनफाइनाइट है। तो आपको सिंपली अगर आपको हीट ट्रांसफर रेट निकालना है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से निकालेंगे, एच ए एस टी माइनस टी इनफाइनाइट, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं टी माइनस टी इनफाइनाइट। तो सिंपली हमने भी यहाँ पे किया, ठीक है, क्यू इज इक्वल टू एच ए एस इज इक्वल टू
एच ए एस इंटू टी माइनस टी इनफाइनाइट। अब टी माइनस टी इनफाइनाइट की वैल्यू लिख देंगे कहाँ से, टेम्परेचर प्रोफाइल से जो वैल्यू आई थी, ठीक है। तो क्यू इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू एच ए एस टी नॉट माइनस टी इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एच ए एस टी रो वी सी। सो दिस इक्वेशन ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको याद करनी है। वैसे आप ये नहीं भी याद रखेंगे, आप सिंपली अगर दिमाग यूज़ करेंगे अपना थोड़ा सा, ठीक है, तो आप सिंपली समझ जाएंगे कि हीट ट्रांसफ़र लिखा कैसे है मैंने। एच ए एस टी माइनस टी इनफाइनाइट सिंपली ये लिखा है, ठीक है, और सिंपली मैंने टी माइनस टी इनफाइनाइट की वैल्यू पुट कर दी है कहाँ से, फ्रॉम टेम्परेचर प्रोफाइल। तो बेसिकली अभी तक आपको जो याद करना है वो क्या याद करना है, सिंपली टेम्परेचर प्रोफाइल याद करनी है, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं, एक तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, इंस्टेंटेनियस मतलब एट दैट इंस्टेंट, किसी भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाए कि एट टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स आपका जो हीट ट्रांसफर रेट है वो क्या होने वाला है, अगर इस तरह से पूछा जाए तो उसका मतलब क्या है, आपसे क्या पूछा गया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज टोटल हीट ट्रांसफर, ठीक है। देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड टोटल। टोटल मीन्स अगर आपको पूछा जाए कि हाँ 0 से लेके 5 सेकेंड्स तक कितना हीट ट्रांसफर हुआ है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एट द फिफ्थ सेकेंड्स पे कितना हीट ट्रांसफर हुआ है, तो आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो टोटल हीट ट्रांसफर कैसे निकालना है, सिंपली कुछ नहीं है, सिंपल आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हैं, क्यू टोटल कैन बी रिटन एज क्यू एक्स डी टी, ठीक है, फ्रॉम 0 से लेकर t टाइम तक हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल हीट ट्रांसफ़र रेट आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू एक्स की वैल्यू लिखी आपने एच ए एस टी नॉट माइनस टी इनफाइनाइट ई की पावर एच माइनस एच ए एस टी अपॉन रो वी सी, ठीक है, और यहाँ पे डी टी भी आएगा, ठीक है, वो मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे डी टी। तो सिंपली आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आपका कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, दिस इज़ योर कांस्टेंट एच ए एस टी नॉट माइनस टी इनफाइनाइट, ये आपका इंटीग्रेशन करके बाहर आ जाएगा। ई की पावर माइनस का इंटीग्रेशन ये होगा अपॉन में उसका जो कॉफिशियंट है, टी का जो कॉफिशियंट है वो आ जाएगा, ठीक है। वट इज़ द टी कॉफिशियंट, एच ए एस अपॉन रो वी सी, ठीक है। तो एच ए एस से आपका एच ए एस कैंसिल, रो वी सी आपका ऊपर चले जाएगा, रो वी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज भी मास, सी का सी सेम हो जाएगा, टी नॉट माइनस टी इनफाइनाइट सेम टू सेम रहेगा। अंदर जो आपका बचेगा, जब वैल्यूज पुट करेंगे, एक बार टी वैल्यू पुट करेंगे, एक बार जीरो वैल्यू पुट करेंगे, तो आपका जो अंदर जो आने वाला है दिस इज़ 1 - e की पावर माइनस एच ए एस टी रो वी सी। तो फाइनली जो आपका क्यू टोटल आने वाला है, दिस इज़ योर क्यू टोटल, वट इज़ योर क्यू टोटल, एम सी टी नॉट माइनस टी इनफाइनाइट ब्रैकेट में 1 - e की पावर माइनस एच ए एस टी अपॉन रो वी सी, ठीक है। तो जो है आपका ये टोटल हीट ट्रांसफर है, जब टी की वैल्यू पुट करेंगे आप, जैसे मान लें फॉर इज इक्वल टू आप टी इज इक्वल टू 5 सेकंड पुट कर रहे हैं, तो जो ये वैल्यू दिखा रहा है वो क्या दिखाएगा, 0 से लेकर 5 सेकंड तक आपकी जो टोटल हीट ट्रांसफर हुआ है वो कितना ट्रांसफर हीट ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। तो ये चीज़ें आपको कैसे समझ में आएंगी, ये आपको समझ में आएंगी जब आप इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। आप न्यूमेरिकल कीजिए इंस्टेंटेनियस हीट ट्रांसफर से रिलेटेड, टोटल हीट ट्रांसफर से रिलेटेड, रेट ऑफ कूलिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो आप डिफरेंट अगर आप ऑनलाइन बहुत सारे कोचिंग मटेरियल अवेलेबल हैं, तो अगर आप वहाँ से वहाँ आपको देखेंगे तो आपको बहुत इनसे रिलेटेड बहुत तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इनसे क्वेश्चन करिएगा इनसे रिलेटेड, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ये चीज़ भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। टी नॉट दिस वॉज योर टेम्परेचर प्रोफाइल, आपको याद होगा ये आपकी टेम्परेचर प्रोफाइल थी, ठीक है। तो ये आपको याद करनी है, दैट इज़ टी माइनस टी इनफाइनाइट अपॉन टी नॉट माइनस टी इनफाइनाइट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एच ए एस टी अपॉन रो वी सी, ठीक है। अब जो ये टर्म है एच ए एस टी रो वी सी, इसको हम बहुत तरीक़ों से लिख सकते हैं, ठीक है, थीके? कैसे कैसे लिख सकते हैं, अगर जो ये एच ए एस अपॉन रो वी सी टी है, तो इसको अगर आप वी अपॉन ए एस, ए एस को अगर आप नीचे ले आएंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ योर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, ठीक है। तो इसको आप इस तरह का, तो ये फॉर्मूला इस तरह का भी बन सकता है, एच कैपिटल एच सॉरी वेट एच टी अपॉन
रो सी और वी अपॉन ए की जगह आ जाएगा रो सी एल सी, ठीक है। तो आप इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको सारे तरीके पता होने चाहिए कि किस किस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो सिंपली और किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, बायोट नंबर और फूरियर नंबर के मल्टीप्लिकेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखा, सिंपली कुछ नहीं किया मैंने, वी को नीचे ला गया, एल सी नीचे बचा, तो सिंपली ये टर्म तो आपका था ऑलरेडी, ठीक है। वी एस अपॉन ए एस की जगह एल सी दिया, रो की जगह रो रहने दिया, सी और एच सेम टू सेम है, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, एल सी इंटू के एल सी इंटू के। तो जब आपको अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे ये किसका मल्टीप्लाई आ रहा है, बायोट नंबर अपॉन फूरियर नंबर। कैसे आ रहा है, बायोट नंबर क्या होता है आपका, व्हाट इज योर बायोट नंबर, एच एल सी बाय के, ठीक है। दिस इज योर एच, दिस इज योर एल सी और दिस इज योर के, ठीक है। तो ये आपका एच एल सी बाय के हो गया। व्हाट इज योर फूरियर नंबर, फूरियर नंबर इज अल्फा टी अपॉन एल सी स्क्वायर, ठीक है। तो एल सी स्क्वायर एक एक एल सी ये है, एक एल सी ये है, तो एल सी स्क्वायर आपका ये हो गया, टी आपका जो बचा था ये टी हो गया, और अल्फा क्या होता है के अपॉन रो सी, तो एक के आपका ऊपर बचा है, रो बचा है सी, के अपॉन रो सी जो अल्फा। तो ये कैसे ये लिख सकते हैं हम इसको, एज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोट नंबर एंड फूरियर नंबर, ठीक है। एक बार आप खुद से देखिएगा आपको और इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर प्रोफाइल को कैसे लिख सकते हैं हम, टी माइनस टी इनफाइनाइट अपॉन टी नॉट माइनस टी इनफाइनाइट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस बायोट नंबर फूरियर नंबर, ठीक है। अब देखो, अब आपका जो ये टर्म था, ठीक है, दिस टर्म और कैन बी डन एज एच टी अपॉन रो सी एल सी, जैसे मैंने आपको बताया दिस इज योर डायमेंशनलेस नंबर, ठीक है। तो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो इसका सिग्निफिकेंस हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इफ दिस नंबर इज़ ज़ीरो, ठीक है, तो अगर ये ज़ीरो नंबर होगा तो ई की पावर ज़ीरो, तो ई की पावर ज़ीरो क्या हो जाएगा, वन, ठीक है। ई की पावर ज़ीरो हो जाएगा वन, तो टी माइनस टी इनफाइनाइट इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टी इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या होगा, किसी भी टाइम इंटरवल टी पे हमारा जो टी है वो किसके बराबर आएगा, टी नॉट, मतलब स्टार्टिंग में जो था एंड में भी वही टेम्परेचर होगा। तो उसका मतलब क्या होता है, देयर विल बी नो हीट ट्रांसफर। अगेन मैं आपको एक और बार समझाता हूँ, इफ़ दिस नंबर इज़ ज़ीरो तो ई की पावर ज़ीरो आपका वन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी माइनस टी इनफाइनाइट, टी माइनस टी इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी नॉट माइनस टी इनफाइनाइट। कैसे आया, सिंपली कुछ नहीं, ये वन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि टी इज इक्वल टू टी नॉट है, मतलब किसी भी टाइम इंटरवल टी पे कि आप कितना भी टाइम इंटरवल कैसे भी टाइम बीतता जाए आपका जो टेम्परेचर होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी योर टी नॉट। जो स्टार्टिंग में टेम्परेचर था वही आपका फाइनल टेम्परेचर होने वाला है। तो जब इस तरह का केस आएगा तो आप सोचो ये क्यों होगा, जब नो हीट ट्रांसफर, इसका मतलब क्या है, वैन दिस नंबर इज गोइंग टू बी इक्वल टू, वैन दिस नंबर इज इक्वल टू जीरो देन देयर विल बी नो हीट ट्रांसफर कंडीशन। इफ दिस नंबर इज इनफाइनाइट तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट इज गोइंग टू बी जीरो, तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो होगा, तो यहाँ से टी इज इक्वल टू टी इनफाइनाइट आएगा। तो यह हम क्या, टी इज इक्वल टू टी इनफाइनाइट आएगा, कहने का मतलब है किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम पे हमारा जो बॉडी की सडनली आपका जो है फ्लूड का जो टेम्परेचर है उसके बराबर हो जाएगा। तो और वी कैन से दैट फुल हीट ट्रांसफर की सारी हीट जो है वो ट्रांसफर हो गई है, ठीक है। तो दीज आर द टू कंडीशंस, ठीक है। तो जो ये नंबर है एच टी अपॉन रो सी एल सी, ये आपका डिसाइड करता है क्या, ये थर्मल रिस्पॉन्स डिसाइड करता है। कहने का मतलब अगर ये नंबर ज़्यादा होगा तो हम कह सकते हैं बॉडी का थर्मल रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा। जैसे स्टार्टिंग से पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको थर्मल रिस्पॉन्स बताया था, थर्मल रिस्पॉन्स मतलब कि हाउ क्विकली द बॉडी इज चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, ठीक है, कि बॉडी अपना जो टेम्परेचर है वो कितने जल्दी चेंज कर रही है, दैट इज़ द थर्मल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। तो ये नंबर डिसाइड करने वाला है कि बॉडी का जो थर्मल रिस्पॉन्स है वो कैसा, ज़्यादा होगा या कम। तो इफ़ द वैल्यू इज़ मोर देन योर थर्मल रिस्पॉन्स विल बी मोर, ठीक है। तो यहाँ पे वही रिटर्न है, एच टी अपॉन रो सी विल डिसाइड द थर्मल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी फॉर रैपिड रिस्पॉन्स, फॉर हाई रिस्पॉन्स दिस वैल्यू शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, ठीक है, ठीक है जी। ज़्यादा मतलब थर्मल हाई थर्मल रिस्पॉन्स के लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, देयरफॉर क्या क्या बड़ा होना चाहिए, एच बड़ा होना चाहिए, रो कम होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कम होनी चाहिए, वॉल्यूम वॉल्यूम कम होनी चाहिए, सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट कम होनी चाहिए, ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग, कम होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो फॉर हाई थर्मल
response या फॉर रैपिड थर्मल रिस्पॉन्स दीज वैल्यू शुड बी अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट पढ़ते द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज योर थर्मल टाइम कॉन्स्टेंट. अब ये आपका थर्मल टाइम कॉन्स्टेंट क्या है, ठीक है. अभी जो आपने देखो इसको समझने की कोशिश करना, दिस टर्म जो हमारा e की पावर में आया था एच टी अपॉन रो सी एल सी, ठीक है. ये कैसे लिख सकते हैं हम इसको, h को हम नीचे भी लिखा सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है. तो हमको पता है कि जो इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है. अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि दिस इज़ अ डायमेंशन लेस नंबर, ठीक है. तो t अपॉन रो सी एल सी अपॉन h, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. t क्या है, टाइम, t इज़ अ टाइम, तो उसका डायमेंशन क्या होगा, टाइम. तो अगर हम चाहते हैं कि ये नंबर डायमेंशन लेस हो, तो इसका नंबर, इसका जो डायमेंशन है, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो आपका है, दैट इज़ रो सी एल सी अपॉन h, इसका डायमेंशन भी टाइम होना चाहिए, ठीक है. तो अगर इसका इसी को इसका डायमेंशन भी टाइम होना चाहिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर थर्मल टाइम कॉन्स्टेंट, ठीक है. ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, कभी कभी आपको इससे रिलेटेड पूछा, सिंपली आपको कुछ नहीं दिया होगा, आपको ना स्पेसिफिक हीट, ना आपको करेक्टरिस्टिक लेंथ, ना डेंसिटी, ना एच. आपको क्या दे दिया, आपको बोला कि इफ़ अ थर्मल टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द बॉडी इज़ दिस, तो आपको बताना है कि इस टेम्परेचर के इतने टाइम के बाद क्या क्या बॉडी का टेम्परेचर होना है. तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज़ योर थर्मल टाइम कॉन्स्टेंट, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है, हैंस ये डायमेंशनलेस नंबर है, हैंस रो सी एल सी अपॉन एच हैव डायमेंशन ऑफ टाइम एंड नोन एज टाउ स्टार, दैट इज़ योर थर्मल टाइम कॉन्स्टेंट, ठीक है. तो थर्मल टाइम कॉन्स्टेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, टाउ स्टार इक्वल टू रो एल सी सी अपॉन एच, ठीक है. तो अब हमको ये पता चल गया, तो हम टेम्परेचर प्रोफाइल को अनदर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, टी माइनस टी इनफाइनाइट टी अपॉन टी एस माइनस टी इनफाइनाइट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ स्टार, ठीक है. और जो बाकी जो टर्म्स थे वो दैट इज़ योर टाउ स्टार. अब यहाँ पे हम एक चीज़ कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं वो आपको बताऊँगा, पहले कर लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड फ्रॉम वन, ठीक है. बोथ साइड्स को हम वन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, वन माइनस टी माइनस टी इनफाइनाइट अपॉन टी नॉट माइनस टी इनफाइनाइट इज इक्वल टू वन माइनस टी अपॉन टाउ स्टार, ठीक है. तो जब आप ये सेपरेट करेंगे तो आपको फाइनली जो मिलने वाला है, दिस इज़ यू आर गोइंग टू गेट टी नॉट माइनस टी अपॉन टी नॉट माइनस टी इनफाइनाइट, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अब एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, इट्स इन्फॉर्मेशन, जो आपका ये टर्म आया ना, दिस टर्म, ये हमने इस फॉर्म में क्यों लिखा, हमारे पास ऑलरेडी हमने टेम्परेचर प्रोफाइल आ गई, तो इस टर्म में लिखने का क्या मतलब है. देखो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, दिस इज़ फॉर द न्यूमेरिकल पर्पज़ ओनली. जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो बहुत सा टाइम पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको पूछा जाएगा, आपको टेम्परेचर नहीं दिया जाएगा, आपको ये पूछा जाएगा कि हाँ ठीक है, एक बॉडी है जिसका आपकी वैल्यू दी जाएगी, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू ये है, स्पेसिफिक डेंसिटी की वैल्यू ये है, स्पेसिफिक हीट ये दिया, आपको सब चीज़ दिया जाएगा, मतलब टाउ स्टार दे दिया जाएगा. और आपको पूछा जाएगा कि इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस का जो ऐसा टाइम बताओ कि कितने टाइम बाद आपका जो टेम्परेचर है वो इनिशियल जो टेम्परेचर डिफरेंस था उसका 1/4 या फिर 1/5 हो गया, ठीक है. तो सिंपली अगर आपको जो वैल्यूज़ दिए गए 1/4 इनिशियल, तब ये बोला जाएगा कि कौन से टाइम बाद जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो आपका जो इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस था उसका 1/4. तो सिंपली आपको यहाँ पे वैल्यू 1/4 पुट करनी है, तो वो आपको पूछा जाएगा कितने टाइम बाद ऐसा होगा, तो यहाँ से आप टी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. तो इस तरह के जो आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पे आपका ये फार्मूला यूज़ होगा. तो ध्यान रखना है, जब आपको ये बोला जाएगा, क्या चीज़ बोला मैंने, इस चीज़ को आप एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए कि कितने टाइम बाद जो टेम्परेचर डिफरेंस है इज़ गोइंग टू बी 1/4 और 1/5 ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस. जब इस टाइप के आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है. उस टाइम पे आप सीधे यहाँ पे 1/4 नहीं रखिएगा, आपको यहाँ पे 1/4 या 1/5 रखना है, ठीक है. तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. तो आगे जो क्या समझा रखा, आगे सिंपली ये समझा रखी है, इफ़ दिस इज़ गोइंग टू बी वन, ठीक है. अगर आपका जो ये टर्म है राइट साइड पे जो टर्म है, अगर वन हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि बॉडी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ गई है, ठीक है.
क्यों क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि जो टी है वो हमारा टी इनफाइनाइट के बराबर आ रहा है, ठीक है। फाइनली अब कोई हीट ट्रांसफर नहीं होने वाला है, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर था वही बॉडी का टेम्परेचर हो गया, दैट इज़ टी इनफाइनाइट हो चुका है, तो हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर योर थर्मोकपल्स, ठीक है। अब थर्मोकपल्स क्या होते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फॉर रैपिड रिस्पॉन्स टाउ स्टार मस्ट बी लेस, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी हम क्या ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रैपिड थर्मल रिस्पॉन्स के लिए जो एच टी अपॉन रो सी एल सी था वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए, और वी कैन से टाउ स्टार शुड बी वेरी लेस, ठीक है। तो दिस इज़ योर टेम्परेचर प्रोफाइल कि किस तरह से टी माइनस टी इनफाइनाइट अपॉन टी नॉट माइनस टी इनफाइनाइट एंड टाइम, ठीक है, किस तरीके से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर हमारा जैसे जैसे एच बाय रो सी एल सी, ये दिस इज़ योर टाउ स्टार, जैसे जैसे टाउ स्टार आपका सॉरी एच बाय रो सी एल सी जैसे जैसे इंक्रीज होगा, तो किस तरीके से आपका जो ये टेम्परेचर प्रोफाइल है वो चेंज हो रही है, ये सिंपली वो ग्राफ है। ये भी बहुत ना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट आप एज अ फॉर एज इंफॉर्मेशन आप ये देख सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज़ योर थर्मल टाइम कॉन्स्टेंट। वैसे ऑलरेडी हमने ये चीज़ हमने डिस्कस कर चुकी है, ठीक है। तो एक बार आपके लिए डेफिनेशन रीड आउट कर देता हूँ, ठीक है। डेफिनेशन भी कहाँ से आई है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। थर्मल टाइम कॉन्स्टेंट इज इट इज़ अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी टू रीच 63.2 टेम्परेचर ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। जो आपका इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस था उसका जो 63.2% जो टेम्परेचर पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो वो जो टाइम है आपको उसको क्या कहते हैं, थर्मल टाइम कांस्टेंट। तो सिंपली ये चीज़ कहाँ से आई है, ये चीज़ सिंपली आपका जो भी मैंने ऊपर बताया था, ये यहाँ से आई है। जैसे आप कैसे डिफाइन किया, जैसे आप आपको याद होगा आर इक्वल टू रो एल बाय ए, ठीक है, बचपन में हम पढ़ते थे 10th क्लास में, रेजिस्टेंस रेजिस्टिव। तो रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करते थे कि इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी हैविंग एल को वन और ए को वन करते थे, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया, तो आर, तो उसको हम क्या कहते थे, रेजिस्टिविटी। तो सिंपली यहाँ पे भी हम यही कह रहे हैं, ठीक है, कि ये वो टाइम है, ठीक है, मतलब टाउ स्टार को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कितने टाइम बाद, अगर टी जो स्मॉल टी की वैल्यू अगर वो टाउ स्टार के बराबर हो जाए, ठीक है, तो आपका जो ये आएगा, ये टोटल वैल्यू आएगी ना वो 0.632 आएगी, ठीक है। तो हम बोल दे रहे हैं कि इतने टाइम बाद की जो आपका इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस है वो उसका 63.2 परसेंट टेम्परेचर डिफरेंस आपका फाइनल में बच रहा है, तो वो आपका थर्मल टाइम कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। तो सिंपली वही डिफाइन किया गया और कुछ नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ अ सिंपली अ डेफिनेशन, आप समझ जाएंगे खुद अगर आप उस क्वेश्चन में जो अभी ऊपर दिखाई थी मैंने आपको, वहाँ पे अगर आप टी इज इक्वल टू टाउ स्टार पुट करते हैं तो आपको ये ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज रिटर्न इन मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल केसेस थर्मोकपल रीडिंग इज रिकॉर्डेड टी ग्रेटर देन 4 टाउ स्टार बिकॉज at this condition body almost reach to thermal equilibrium, ठीक है। अब इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब ये है कि हम थर्मोकपल का टेम्परेचर कब रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया हमने थर्मोकपल लगाया, तो हम टेम्परेचर रिकॉर्ड कब कर रहे हैं, तो हम टेम्परेचर कितने टाइम बाद रिकॉर्ड करेंगे, जब जो टाइम है वो एटलीस्ट 4 टाउ स्टार, जो ये 4 टाउ स्टार की जो वैल्यू है उससे ज़्यादा हो जाए। तो अब हमने ये 4 टाउ स्टार ही क्यों निकाला, सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर आप जो इक्वेशन थी ऊपर, ठीक है, अभी जो आपको इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस वाली जो अभी मैंने जस्ट डिस्कस किए, उस पर अगर आप टी की जगह 4 टाउ स्टार पुट करेंगे, तो जो यहाँ पे जो परसेंटेज आएगी ना वो आपकी ऑलमोस्ट 98 या 99 के बराबर आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस है, मतलब आपका ऑलमोस्ट जो इक्विलिब्रियम है वो रीच कर गया है, ठीक है। जो ये टेम्परेचर डिफरेंस है, जो अभी का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये सिंपली इसका मतलब यही है, ठीक है, और कुछ नहीं है।
सिंपली आप अगर इससे रिलेटेड ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछ नहीं आता है, बट कभी कभी थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चंस पूछ देते हैं कि हाँ बताओ कि थर्मोकपल की रीडिंग हम कब मेजर करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे कि एट 4 टाउ स्टार, 5 टाउ स्टार या ग्रेटर देन, तो आपको क्या याद रखना है वैन टी इज़ ग्रेटर देन 4 टाउ स्टार, ठीक है, तो 4 टाउ स्टार से ज़्यादा वैल्यूज़ होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद ऑलमोस्ट वैल्यूज़ कॉन्स्टेंट ही हो जाएगी, 100 कभी नहीं होगी क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल कर्व है, 0.99 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगी, तो जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज़ योर 4 टाउ, मतलब 4 टाउ स्टार से तो ज़्यादा ही होना चाहिए टाइम पीरियड, तब आपको मेजर करनी है वैल्यू फॉर थर्मोकपल, ठीक है। तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि वैलिडिटी ऑफ लम्पड हीट कैपेसिटी मेथड, तो ये क्या है सिंपली है कि कब आपका जो लम्पड हीट कैपेसिटी मेथड है कब अप्लाई होगा, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, लम्पड कैपेसिटी हीट कैपेसिटी मेथड हम कब लगाते हैं, जब हमारा इनसाइड रेजिस्टेंस जीरो हो, और वी कैन से द बॉडी रेजिस्टेंस इज जीरो, और वी कैन से द कंडक्टिविटी ऑफ द बॉडी इज़ इनफाइनाइट, बट आइडियली ऐसी कोई बॉडी है ही नहीं जिसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होता है, ठीक है, तो परफेक्ट लम्पड बॉडी के लिए आर कंडक्शन जीरो होता है और बायोट नंबर जीरो होगा, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो हम लम्पड कैपेसिटी मेथड का लगाते हैं जब हमारा बायोट नंबर लेस देन 0.1 होगा, ठीक है, तो दिस यू हैव टू ऑलवेज चेक बिफोर अटेम्प्टिंग अ न्यूमेरिकल, ये आपको चेक करना है बार बार कि बायोट नंबर आपका 0.1 से लेस आ रहा है, बहुत कम आ रहा है बायोट नंबर, तभी आप जो आपने ऊपर जो भी फॉर्मूले डिस्कस किए हैं तभी ये मेथड लगा सकते हैं, बिकॉज क्यों, क्योंकि इसी कंडीशन पे जो हमारा आपका जो एरर आएगा ना, देखो आइडियली जो हमने ऊपर डिस्कशन किया है वो किसके लिए है, फॉर जो भी हमने डेरिवेशन जितने भी डेरिवेशन किए हैं हीट ट्रांसफ़र के, टेम्परेचर प्रोफाइल के लिए, वो किसके लिए है, जब आपकी बॉडी जो है परफेक्टली लम्पड है, ठीक है, तो अब परफेक्टली लम्पड बॉडी तो होगी ही नहीं, लेकिन आपको टेम्परेचर तो फाइंड आउट करना है, तो जब आप टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे, बॉडी परफेक्टली लम्पड नहीं है, तो कुछ ना कुछ एरर आएगा, ठीक है, तो उस एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए, वो एरर मिनिमाइज़ कब होगा, जब आप बायोट नंबर 0.1 लेस देन 0.1 है, उस केस के लिए आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो आपका जो एरर आएगा बहुत मिनिमम, अगर इससे ज़्यादा बायोट नंबर आ रहा है और अगर आप लैम्ब्डा एनालिसिस मेथड लगाते हैं तो आपका टेम्परेचर तो आएगा, बट दैट टेम्परेचर इज़ योर विल गिव यू फॉल्स वैल्यू, और वी कैन से देयर विल बी अ लॉट ऑफ एरर, ठीक है, जो इतना एरर होगा जो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपको बायोट नंबर लेस देन 0.1 होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, तो फॉर परफेक्टली लम्प्ड बॉडी आर कंडक्शन इज जीरो, इट मीन्स बायोट नंबर इज जीरो, सो आइडियली लम्प्ड मेथड वैलिड व्हेन बायोट नंबर इज जीरो, बट इफ रियल वैल्यू मेड अप ऑफ हायर वैल्यू ऑफ के एंड साइज इज़ वेरी स्मॉल, आर कंडक्टिविटी इज़ नेग्लिजिबल, ठीक है, अगर हमारा हम कोई ऐसी बॉडी कंसिडर कर रहे हैं जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और साइज़ जो है वो बहुत स्मॉल है, जैसे स्मॉल मेटेलिक बॉल, तो उस टाइम पे क्या होता है, आर कंडक्टिव इज़ वेरी वेरी लेस देन आर कन्वेक्टिव, मतलब जो बॉडी का कंडक्टिव रेजिस्टेंस है दैट इज़ वेरी वेरी लेस देन आर कन्वेक्टिव, तो वहाँ पे हम उस केस में लम्प्ड मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द रियल बॉडी इफ़ आर कंडक्शन इज़ नेग्लिजिबल, ठीक है, आर कंडक्शन बहुत बहुत छोटा है तो हम वो मेथड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ योर आर कंडक्टिव इज़ लेस देन 10% ऑफ आर कन्वेक्टिव, अगर आपको न्यूमेरिकल में ये लाइन भी बोली गई है कि आपका जो आर कंडक्टिव है वो लेस देन 10% ऑफ आर कन्वेक्टिव है, तो उस टाइम पे भी आप लम्प्ड हीट कैपेसिटी मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लम्प्ड हीट कैपेसिटी मेथड, ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब ये इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है कि 2017 में पूछा गया है, वेरी इजी न्यूमेरिकल, बहुत इजी से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बट चीज़ें क्या होती हैं, अगेन मैं आपको सेम चीज़ बोलूँगा कि एग्ज़ाम में प्रेशर की वजह से हम बहुत इजी चीज़ भी गलत कर देते हैं, ठीक है, डायमीटर की जगह रेडियस ले लेते हैं, रेडियस की जगह डायमीटर ले लेते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे आप इसी क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, कुछ भी नहीं गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नो डाउट किया, एक मेटल बॉल है, डायमीटर 60 mm दिया है, इनिशियल टेम्परेचर 220 डिग्री सेल्सियस दिया है, बोला है कि कूल्ड बाय एयर, एक एयर से कूल गया मतलब फ्लूड का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया, एंड फ्लूड फ्लूड इज एयर, हीट ट्रांसफर हीट कन्वेक्टिव कॉफिशियंट की वैल्यू दी है 200 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, स्पेसिफिक हीट दिया 0.4 किलो जूल पर kg केल्विन, कंडक्टिविटी दिया 400 वॉट पर मीटर केल्विन, डेंसिटी दिया है 9000 kg/m³, द बॉल टेम्परेचर 90 सेकेंड विल बी आफ्टर, यहाँ पे सॉरी आफ्टर आएगा, पूछा गया कि बॉल का टेम्परेचर आफ्टर 90 सेकेंड क्या होगा, ठीक है, आप सिंपली न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, सारी वैल्यूज़ आपको दी हैं, ठीक है,
तो सिंपली बॉल है, बॉल कैसी, मेटल बॉल है तो कैसे शेप की होगी आपकी, स्फेरिकल शेप की होगी, ठीक है। तो फॉर स्फेयर आपका जो करेक्टरिस्टिक लेंथ है कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया। तो आपने अगर आपको मैंने बोला था कि अगर मैंने जब मैंने आपको ये वैल्यूज़ बोला था कि कौन कौन सी वैल्यूज़ याद करनी है, तो मैंने आपको बोला था कि स्फेयर के लिए आप याद कर लिए। तो स्फेयर के लिए कैसे निकाल सकते हैं, आर बाय थ्री और डी बाय सिक्स, ठीक है। तो आर बाय थ्री निकालेंगे तो आर क्या है आपका, यहाँ पे देखना आपको डी दिया है, ध्यान देना, इस ऐसे गलतियाँ होती हैं, ठीक है। गेट में क्या होती है, अगर आपने आपको पता चल गया आपने फॉर्मूला याद कर रखा है आर बाय थ्री और आपने इस डायमीटर को यहाँ पर पुट कर दिया, तो आपका ये 10 की जगह 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 की जगह 20 आ जाएगा तो आपको वहाँ से पूरा न्यूमेरिकल गड़बड़ हो जाएगा, जबकि ये न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, आपको उसमें बिल्कुल गलती का कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपली आप वैल्यू पुट करेंगे, 10 mm मारी है आर बाई थ्री की वैल्यू, इसको मीटर में, यूनिट का खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में क्वेश्चन पूछा, तो आपको सबको ऐसा यूनिट पर कन्वर्ट करना है। देखियो ये मिलीमीटर में दिया था आपको डायमीटर, ठीक है। स्पेसिफिक यूनिट आपको किलो जूल में दिए है, एच वॉट में दिया है, ये तो सब एसआई यूनिट में है, तो आपकी कौन कौन सी एसआई यूनिट में नहीं है, एक तो डी नहीं है और स्पेसिफिक यूनिट, तो पहले इनको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, देन यू हैव टू पुट द वैल्यूज ऑन द फॉर्मूलाज, ठीक है। सिमिलरली स्पेसिफिक यूनिट दिया 0.4 किलो जूल पर केजी केल्विन, इसको हमने एसआई यूनिट में किया, जूल पर केजी केल्विन में कन्वर्ट किया, तो दैट इज़ योर 400 जूल पर केजी केल्विन। बायो टेम्बर सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ योर एचएलसी बाय के, ठीक है। 200 × 0.01 / 400, तो आपका जो वैल्यू आ रही है 0.05, तो 0.05 जो वैल्यू है वो 0.1 से बहुत कम है, ठीक है। तो हम इसमें हम हमारा लम्पड हीट कैपेसिटी मेथड और लम्पड हीट एनालिसिस लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे फॉर फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि गेट में अभी तक ऐसे न्यूमेरिकल पूछे नहीं गए हैं जिसमें आपका बायोड नंबर में इस तरह का कुछ आया हो, ठीक है। एक्सेप्ट एट ओनली गेट 2016 में एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, बट दैट इज़ टोटली अ डिफरेंट न्यूमेरिकल, उसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं पूछी थी, वो तो काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो वैसे आपको अगेन अगेन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है वैल्यूज, बट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम कब कब आपका लम्पड हीट कैपेसिटी मेथड है वो कब कब लगा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको फॉर्मूलाज पता है, दैट इज़ यू नो द टेम्परेचर ऑफ आयर, टी माइनस टी इनफाइनाइट, टी एस माइनस टी इनफाइनाइट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एच टी अपॉन रो सी एल सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कैलविन और डिग्री सेल्सियस इस तरह का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप वैल्यूज पुट करें, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपको टी आपको फाइंड आउट करना है, दिस टी यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, दिस टी यू हैव टू फाइंड आउट। टी इनफाइनाइट आपको गिवन है, टी सरफेस गिवन है, टाइम आपको गिवन है 90 सेकंड, बाकी सारी वैल्यूज़ गिवन है, तो सिंपली आपका जो टेम्परेचर आ जाएगा, टी इज इक्वल टू टी इनफाइनाइट प्लस टी एस माइनस टी इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एच टी अपॉन रो सी एल सी। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो फाइनल जो आपका आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इससे रिलेटेड, अभी आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी न्यूमेरिकल मैं करवा दूंगा। तो बेसिकली जब आप 11 चैप्टर करेंगे ना, तो आपको क्या पता चलेगा ना कि जो न्यूमेरिकल्स आए हैं वो बहुत इजी हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला भेज दें, तो फिर भी बच्चे ना उन इजी न्यूमेरिकल को ही गलत करते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत कठिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है। हाँ ठीक है, जब आप बहुत आप परफेक्शन, पहला आपका सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि आपके न्यूमेरिकल सॉल्विंग में आपका परफेक्शन आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। दैट इज़ इट मीन्स कि आप जो छोटी छोटी माइन्यूट सी गलतियाँ कर रहे हैं वो ना करें, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं वो आप नहीं कर रहे हैं। जब आप ये चीज़ अपना इस चीज़ में परफेक्शन ला पा रहे हैं, तो उसके बाद आप अलग से जो टफ न्यूमेरिकल हैं या फिर कॉन्सेप्शन न्यूमेरिकल हैं वो सॉल्व करिए, क्योंकि गेट में आपका बहुत बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ बहुत सा टफ नहीं पूछा जाता, हाँ कुछ कुछ 5-6 नंबर का पूछा जाता है, बट रिमेनिंग पेपर आपका 80 से 85% पेपर होता है आपका वेरी इजी, सिर्फ सिंपली फार्मूला बेस्ड, और आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होना है कौन सी कंडीशंस पे, तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं गेट में, ठीक है। थैंक यू, सॉरी ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई थी, थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ यार मैं, बाकी अभी आगे मैं वीडियो बनाते रहूँगा, तो थैंक्स फॉर बीइंग पेशेंट, और कमेंट्स में कुछ भी होगा तो बताइएगा। एक वैसे आप कमेंट करते हैं कि सर आप ये टॉपिक कि सर चीज़ें थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए, तो प्लीज़ आप मेंशन कीजिए कि हाँ मैंने कौन सी चीज़ें एक्सप्लेन किया है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक चीज़ को काफ़ी बार एक्सप्लेन करूँ और बहुत ज़्यादा भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर भी अगर आपको लगता है हाँ कि सर ये टॉपिक एक्सप्लेन अच्छे से नहीं हो पाया, तो उस पर मुझे थोड़ा पॉइंट आउट कर दीजिएगा कि हाँ सर आपने जो लम्प्ड या फिर आप
टाइम मुझे बता दीजिएगा कि सर हाँ इतने टाइम पे 32 मिनट पे जो आपने टॉपिक एक्सप्लेन किया वो थोड़ा कम एक्सप्लेन किया है, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।